सोखड़ा स्वामीनारायण विवाद मामले आज की बैठक पूर्ण थी। आज की बैठक में समाधान विविध मुद्दाओं पर चर्चाओं थी है, साथ ही आगामी दिवस में वधु एक बैठक मळशे। आज की बैठक में प्रबोध स्वामी तरफ तमाम मुद्दाओं रजू कराया है, जयरे प्रेम स्वरूप तरफी तमाम मुद्दा 25 मे रोज रजू कराशे। बैठक में रजू थे तमाम बातों गुप्त रखाशे। सोखड़ा हरिधाम में थे विवाद मामलों हाईकोर्ट में चाली रो तो हाईकोर्टे बने पक्षों ने मध्यस्थी करने सलाह अपी है। बॉम्बे हाईकोर्ट निवृत्त चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में आजे आ बैठक मळी हती। आगामी दिवसों में वधु एक बैठक कराशे। प्रेम स्वरूप स्वामी तरफ मुद्दाओं 25 मे रजू कराशे, परंतु जे चर्चा थी है गुप्त रखाशे। सोखड़ा विवाद मामले वधु एक बैठक मळशे। आशका जानिया मळशे जोड्या आशका, आजे जे बैठक हती एमां शुं चर्चाओ थी है? बॉम्बे हाईकोर्ट निवृत्त चीफ जस्टिस कही सकते प्रबोध स्वामी, प्रेम स्वरूप स्वामी और बने पक्ष एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सुधीर नाणावटी सत्यजीत उपाध्याय हाजर था। बने पक्ष की बातचीत थी है, प्रबोध स्वामी तरफ थी समाधान माटेनी जे मांग छे, जे मुद्दाओ छे ते रजू करी देवामां आवे छे। त्यारे प्रेम स्वरूप स्वामी तरफथी समय मांगवामां आवे छे अने 25 मे सुधी आ तमाम जे समाधान माटेनी जे मुद्दा छे ते रजू करवानो आदेश વાત થઈ છે। ખાસ કરીને બેઠકમાં જે વાત થઈ હતી તે ગુપ્ત રાખવાનો હાઈકોર્ટનો પણ આદેશ હતો। હાઈકોર્ટે આ મામલે સમાધાનનું વલણ અપનાવવા કહ્યું હતું। 25 મે ના મુદ્દા રજૂ કર્યા બાદ વધુ એક બેઠક મળશે અને ત્યારબાદ આ જે વિવાદ છે તે સમાધાન તરફ આગળ વધશે કે કેમ એ પણ જોવાનું રહેશે। પરંતુ આજે જે બેઠક થઈ તેમાં ખાસ કરી અને બંને પક્ષના સમાધાનના મુદ્દાઓ રજૂ કરવાની વાત હતી, જેમાં એક પક્ષ એટલે પ્રબોધ સ્વામી તરફથી મુદ્દાઓ મૂકી દેવામાં આવે છે। હવે પ્રેમ સ્વરૂપ દ્વારા સ્વામી દ્વારા તેમણે પોતાનો જે પક્ષ છે તે 25 મે સુધી મૂકવામાં આવશે। બિલકુલ બિલકુલ, આભાર આશકા। તો એક મહત્વપૂર્ણ ખબર સામે આવી રહી છે જેમાં સમાધાન વિષય પર મુદ્દા બેઠકમાં ચર્ચાઓ થઈ છે અને હજુ પણ બેઠકો મળશે, પરંતુ જે ચર્ચાઓ થઈ છે ખાસ ગુપ્ત રાખવામાં આવેલી છે। तो प्रेम स्वरूप स्वामी तरफ मुद्दाओं 25 मे रजू कराशे। आगामी दिवस में वधु बैठक मळशे। आज की बैठक में समाधान विविध मुद्दाओं पर चर्चा पण कराई छे अने आगामी दिवस में वधु बैठकों मळशे, परंतु आज बैठकों में जे चर्चा थी छे ए गुप्त रखाई छे। सोखड़ा स्वामीनारायण विवाद मामले आज की बैठक पूर्ण कराई छे।